मैं मोरनी हूँ, मोरनी नाग नागिनों की जानी दुश्मन, तेरे मौत की छुरी मयूरी। आज चांद नहीं है तो आज तेरी शक्ति भी आधी है नागिन, तो आज तू कुछ नहीं कर पाएगी। आज जो करूंगी ना मैं करूंगी, मैं जब जब काल आता है तो काल को काटने वाली आती है, और जब चांद नहीं आता तब काली आती है। तो यहाँ पे इतने नाग नागिन हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि शेष नागिन कौन है? ये नागिन कौन है? रुक जाओ, तुम्हें हमारे ईष्ट हमारे शिव जी की कसम, अपना चेहरा दिखा। हाँ।
मेरी बेटी एक नागिन? नागिन नहीं, नागिनों की नागिन, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, महानागिन, शेष नागिन। तुम शेष नागिन हो तो मैं वो प्रार्थना ही थी। तुझे कब पता चला कि तू एक नागिन है? आपको कब पता चला कि आप एक नागिन हैं? हमारी किस्मत ने हमें बताया, और हमारी ही किस्मत ने हमें नागिन बनाया, और हमें हमारी जिम्मेदारियां सौंपी जो हमें पूरी करनी है। तो तुझे पता था कि तू एक नागिन है, और फिर भी तू चुप बैठी, क्यों? यहां किस मकसद से आई है तू? क्या प्रोफेसर जानते थे कि तू एक नागिन है? क्या उन्होंने तुझे तेरी जिम्मेदारियां समझाई हैं? मैं अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से जानती हूँ, और उन्हीं को पूरा करने के लिए यहाँ आई हूँ। देख बेटा, ऐसा मत कर। क्या ना करूँ? ये जो तूने रुद्र से शादी की है, उसके पीछे का मकसद, मैं सामने आ गई ना, मेरा मकसद भी सामने आ जाएगा। प्रार्थना जानती थी कि वो एक शेष नागिन है, और फिर भी उसने रुद्र से शादी की, इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? तो जिस लड़की से रुद्र की शादी हुई वो है शेष नागिन। मिस्टर रायचंद का तो जैकपॉट लग गया। अब कुछ दिन बाद जब वो खास नक्षत्र आएगा, मैं शेष नागिन को यहाँ लाऊंगा और ये मंदिर का दिव्य द्वार खोलूंगा। अब भारत का खजाना ही बनेगा भारत की बर्बादी। You're right, रुद्र। ये नाग और नागिन भले ही बहुत सारे हों, पर हम उस शेष नागिन को आज ढूंढ कर ही रहेंगे। चलो ढूंढते हैं। Yes, sir. हे शिव जी, तो आखिरकार आपने मेरी बेटी को शेषनागिन बना ही दिया। बस आपसे एक विनती है कि मेरी इस बेटी की शक्तियां सिर्फ इस देशभक्ति के काम आए। Thank you.
हमारी तुम्हारी दुश्मनी सदियों पुरानी है। आज इस सदियों पुरानी दुश्मनी पे मैं तुम्हारे खून का लाल रंग चढ़ा दूंगी। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। जब ऋषभ होश में आएंगे तो मेरे ऋषभ पहले वाले ऋषभ नहीं होंगे। सर, ऋषभ सर, सर, ऋषभ सर, ऋषभ सर, सर, सर आप ठीक तो हैं? रुद्र, आप यहां कैसे सर? आप सर, सर हु, सर हुआ क्या? नानी, ये आपने मुझे कैसी जिंदगी दी है? मुझे एक साधारण जिंदगी जीनी थी, पर शिवजी ने शेष नागिन मुझे चुना। मैंने अपने देश के लिए कितना कुछ किया, पर मेरी ही बेटी को मुझसे दूर कर दिया गया। मैं अपनी बेटी को पाल नहीं सकी, पूरे 20 साल वो मुझसे दूर रही, और अब मिली तो वो भी शेष नागिन। मेरी बेटी को भी शेष नागिन बना दिया। मैंने तो शेष नागिन की शक्तियों का प्रयोग बहुत पहले ही त्याग दिया था। मुझे अपने परिवार को इन सब से दूर रखना था। एक तरह से टूट चुके हैं और मैं तो अपने परिवार में ही भटक गई। और कितने नाजों से मैंने अपनी अनमोल को पाला, मैं उसे भी अपने प्यार से दूर नहीं कर सकती। ये कैसा धर्म संकट है नानी, और ये बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरी एक बेटी जिससे प्यार करती है, उसकी शादी मेरी दूसरी बेटी से हो गई, और आज मेरे पति ने भी मेरा नागिन रूप देख लिया। मैं तो ऋषभ को बहुत पहले ही ये सब सच बताना चाहती थी, पर नागराज तक्षक ने मुझे रोका था। नानी, आपके सामने मेरी पूरी जिंदगी ताज के पत्तों की तरफ बिखर गई, और आप चुपचाप देखती रहे। ये कैसी जिंदगी है मेरी नानी, ना एक अच्छी माँ बन पाई, ना एक सच्ची पत्नी। अब आप ही बताइए, मैं किस मुंह से घर जाऊं, किन नजरों से ऋषभ से नजरें मिला, कैसे जाओ नानी, कैसे जाओ? अब तक जो कुछ भी हुआ, मैं उसकी सच्चाई से भाग नहीं सकती। मुझे ऋषभ और अपने परिवार का सामना करना ही होगा। वहीं रुक जाइए माँ।
क्या ऋषभ ने पूरे परिवार को मेरा सच बता दिया? मॉम, देखो ना पीछे कितनी प्यारी रंगोली बनी, वो खराब हो जाएगी ना। देखिए ना मॉम, हमारी प्रार्थना कितनी क्रिएटिव, कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। अरे प्रार्थना, तुम्हारे यहाँ पे तुम्हारा चेहरा। अब मेरे चेहरे में क्या प्रॉब्लम है? पता है मुझे कैसा है? ओ, रंग चेहरे का रंग भी उड़ गया होगा अब तो। अरे प्रार्थना, तुम्हारे चेहरे पे रंग लगा है। अरे अरे, थोड़ा लेफ्ट, ऊपर, नीचे, नहीं उस तरफ। किस तरफ? मैं करता हूँ। शाहरुखियाना लुक तो कार्तिक आर्यन और आदित्य रॉय का भी नहीं है। ठीक, ये कोई शाहरुख या सलमान टाइप नहीं। एक्चुअली लुक तो प्रार्थना से प्यार भी नहीं करता। ये तो प्रार्थना ही है जो हर टाइम रुद्र के आसपास रोमिंग डेटा की तरह घूमती रहती है। पर ना मेरा रुद्र इस जैसी लड़की को देखे, नेवर। ऐसे रुद्र ने तो अभी तक मुझे भी ढंग से नहीं देखा। मैं करता हूँ। जब अनमोल का हॉट लुक और रोमांस का तड़का लगेगा ना, तो देखता ही रह जाएगा। हे शिव जी, लोग तो मेले में भटकते हैं, मैं तो अपने घर में ही भटक गई। अब आप ही मुझे रास्ता दिखाइए और मेरे रिश्ते संभालिए। खाइए। वानिया क्या कर रही हो? इन्हें मीठा मत खिला। पीजी, कम ऑन, आज दिवाली है और मिठाई के बिना तो दिवाली होती नहीं है। इनफैक्ट आज तो डबल सेलिब्रेशन बनता है, डबल मिठाई। क्यों आरजी? क्योंकि तुम्हारी मामी ने आज मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? प्यार में धोखा। मेरा कहने का मतलब यह है कि इतने साल हो गए हमारी शादी को, पर इसने मुझे आज तक कभी धोखा नहीं दिया, सिर्फ प्यार किया है ना प्रसाद? So sweet of you, PG. I wish आप दोनों में जितना प्यार है ना, उतना ही मेरे और मेरे हस्बैंड में भी हो। जरूर होगा। God bless you. वान्या आई। I'm sorry, Risha. इसलिए प्रथा, किस बात के लिए? मुझसे इतने सालों से राज छुपाने के लिए?
मुझसे झूठ बोलने के लिए या मेरा प्यार से विश्वास उठाने के लिए? ऋषभ, मैं आपको बताने ही वाली थी, जब जब सोचा कि आपको बताऊं, कल भी आपको। आज कल परसों परसों बीत गए प्रथा, परसों बीत गए, 23 साल बीत गए, पर तुम्हारे पास 23 सेकंड नहीं थे मुझे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच बताने के लिए। तुम जानती हो मैं तो कभी मानता भी नहीं था इन सब चीजों में कि नाग नागिन होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। I didn't know. सिर्फ कहानियों में पढ़ा था, लोगों से सुना था, पर कभी विश्वास नहीं किया। फिर मेरी शादी होती है उस लड़की से जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। See the irony of life. जिससे मैं प्यार करता था वो एक नागिन निकली। और बताना चाहती हो तो मैं सुन रहा हूं। कोई और झूठ जो तुमने मुझसे बोला इतने सालों से? नहीं, आज तुम मुझे बताई दो कि तुम हो कौन, क्या हो तुम? इतने साल हो गए तुम्हें यहां रहते हुए, इससे पहले तुम क्या करती थी, कौन थी? सब झूठ था, झूठ बोला ना तुमने, बस आज बता दो कि सच क्या है, कौन हो? हाँ ऋषभ, एक सच और है, प्रार्थना हमारी। चुप क्यों हो प्रथा, जवाब दो। हाँ ऋषभ, वो ऋषभ, तुम दोनों अभी तक यही हो? चलो नीचे चलो, दिवाली की पूजा का मुहूर्त हो रहा है, चलो। जी बहुत परेशान हो ना, मैं जानती हूं। तो क्या चंदा माँ ने सब सुन लिया? वो मैं भी एक माँ हूं बेटा, माँ का दर्द समझती हूँ। अनमोल को लेके बहुत परेशान है ना तू? कितनी खुश थी हमारी अनमोल, देखते ही देखते उसकी खुशियां ही उजड़ गई, बचपन का प्यार चला गया। प्रथा, तू माँ है, तू ही उसे समझा सकती है। उसे समझा, किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती। अब जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा, दिवाली की पूजा कर लेते हैं। प्रार्थना, तुम दिवाली पार्टी के लिए तैयार हो गई? प्रार्थना एक मिनट रुको ना, वैसे तुम तैयार तो लग रही हो, बस एक कमी है, एक मिनट रुकना। दो चुटकी सिंदूर जो होता है ना, ये दो दिलों को 7 वचनों में बांध के 7 जन्मों के लिए जोड़ देता है, और सिंदूर का रिश्ता सबसे ज्यादा पवित्र होता है।
मेरा दुपट्टा छोड़ो। अगर नहीं छोड़ा तो? प्रार्थना, तुझसे कुछ बात करनी है और मुझे नहीं करनी। मैंने कहा ना मुझे बात करनी है, भूल मत मैं तेरी माँ हूं। आप भी मत भूलिए कि मैं शेष नागिन हूं। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तू किसी मकसद से आई है, कुछ बदला लेने आई है। तेरी आंखों में दिखता है मुझे। हाँ, आई हूं मकसद से। तो आपको भी मेरी आंखों में वो दिखता है जो कुछ सालों पहले आपकी आंखों में दिखता था। तो आप इस घर में क्यों आई थी? इस देश को बचाने के लिए। ओह, तो इस देश को बचाने के लिए आपने उस आदमी से शादी कर ली है जानने के बाद भी कि वो एक देशद्रोही है। आप यहां आई थी अपना बदला लेने के लिए, फिर आपका बदला बदल गया, आपको उस आदमी से प्यार हो गया। हाथ हाथ दो अपना। तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, हाँ तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। ऋषभ देशद्रोही नहीं है, पहले मैंने भी उन्हें गलत समझा पर अब तू भी उन्हें गलत समझ रही है। वो तेरे पापा है प्रार्थना। नहीं, वो मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा वो थे जिसको आपके पति उस देशद्रोही ने मार दिया था। पता चला कि मेरे पापा ने आपको भेजा था इस देश को बचाने के लिए, पर आप उस देशद्रोही से प्यार कर बैठी, शादी कर ली, बच्चा पैदा कर लिया, और वो बच्ची मैं थी।
बस मुझे ये पता नहीं कि मैं कैसे आपके पास से मेरे पापा के पास चली गई। पर अच्छा ही हुआ जो मैं अपने पापा के पास चली गई। वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे संस्कार दिए और एक अकेले नहीं पूरा परिवार बन के पाला है मुझे। शायद यही किस्मत ने लिखा था कि मुझे ही शक्तियाँ मिलनी थी, मुझे ही शेष नागिन बनना था, क्योंकि अगर मैं शेष नागिन नहीं बनती तो मेरे पास आपके पति, मेरे पापा के कातिलों को मारने की शक्तियाँ नहीं होती। मेरे पति ने तेरे पापा को नहीं मारा है प्रार्थना, नहीं मारा है। ये मौसम अचानक से इतना खराब क्यों हो रहा है? आपका प्यार बोल रहा है, आप प्यार में भटक गई है, बाकी सबसे तो बदला ले लिया पर उस आदमी को छोड़ दिया। और देख लीजिए आज 20 साल बाद भी वो फिर से हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। अब क्या करेंगे आप? मैं पता करने पे आई तो मुझे ये सब पता चला कि मेरे पापा जो एक प्रोफेसर थे अपने देश को बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शेष नागिन को आमंत्रित किया भारत को उस महामारी से बचाने के लिए, और आपको उस घर में भेजा क्योंकि उन्हें लगता था कि इस घर में एक देशद्रोही है। और आपने क्या किया? इस घर में बदला लेने आई थी आप और इस घर में अपना घर बसा लिया। प्रार्थना कितनी बार कहूं मैं तुझे, मुझे पता चल गया था कि ऋषभ देशद्रोही नहीं है, है वो। 20 साल बाद मेरे पापा की मौत उसी आदमी की आंखों के सामने हुई है और वो देशद्रोही नहीं है। सारे सबूत उनकी तरफ उंगली उठा रहे हैं और वो देशद्रोही नहीं है। आपकी आंखों में उनके प्यार की पट्टी बंधी हुई है तो वो देशद्रोही नहीं है। प्रार्थना उन्हें गलत मत समझ, वो तेरे पापा है। हाँ दिया है उन्होंने मुझे जन्म, पर वो मेरे पापा नहीं है। मेरे पापा तो मर चुके हैं, जिंदा है वो, वही है जिन्होंने तेरा कन्यादान किया है। उनका दिल देख, अनमोल से कितना ज्यादा प्यार करते हैं वो। बेटी का दिल टूट गया पर अपनी बेटी का दर्द पी गए वो, और सही गलत में से सही को चुना। और जैसे उन्हें पता चला कि रुद्र तुझसे प्यार करता है, उन्होंने रुद्र की शादी तुझसे करवा दी। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि तू उनकी बेटी है, पर फिर भी उन्होंने तेरा साथ दिया। ऐसा इंसान अपने देश के खिलाफ कैसे जा सकता है? नहीं, ऋषभ अगर सबसे ज्यादा प्यार किसी से करते हैं तो वो है उनका देश। सच कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है। दो पल के लिए मेरे दिल में भी उनके लिए वो प्यार आया था जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था, पर बाद में मुझे एहसास हुआ कि वो ढोंगी है। एक खूनी कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। प्रार्थना तू पागल हो गई है, पागल हो गई है तू। पर मैं तुझे इस घर को, इस परिवार को एक खरोच भी नहीं लाने दूंगी। खरोच नहीं, मौत दूंगी मैं सबको। रोक सकती है तो रोक लीजिए आप, मुझे इस घर से निकाल दीजिए। हाँ निकाल दूंगी मैं। मुझे इस घर में अनमोल ने रोका है, दुनिया की नजरों में अपने आप को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए, क्योंकि उसकी दिवाली पार्टी में कोई उसे ये ना पूछे कि कोई उसे छोड़ के चला गया। इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। तेरा यहाँ होने का मकसद कुछ और है, बता मुझे, बता। रुद्र और ऋषभ के साथ क्या करने वाली है तू, बता। बहुत जल्द पता चल जाएगा। क्या आपने सबसे ज्यादा जिसे प्यार किया उसे अपनी बाहों में मरते हुए देखा है? आपने कभी अपने पापा की लाश अपने हाथों में देखी है? देखा है मैंने, तो फिर आप मेरा दर्द कैसे नहीं समझ रही? नागिन बदला लेती है, अपना खुद का बदला लेती है, अपनों का बदला लेती है, लेकिन एक शेष नागिन दुनिया का बदला लेती है, देश का बदला लेती है। उसे खुद के बदले की कोई परवाह नहीं होती। अगर देश का बदला और खुद का बदला एक हो तो मेरे पापा एक प्रोफेसर थे, उन्होंने अपने देश की सेवा की है, कर रहे थे वो, पर एक देशद्रोही ने उन्हें मार दिया। और अब मैं उससे बदला लूंगी। रोक के दिखाइए आप मुझे, मैं तुझे इस घर से बाहर निकाल के दिखाऊंगी 2 दिनों में। ये मेरी चुनौती है तुझे,
तो मेरी भी चुनौती है, मैं आपके पति को उनकी जिंदगी से निकाल के दिखाऊंगी। ये शेष नागिन का वादा है। प्रार्थना बेटा कहाँ रह गई थी तू? अच्छा आरती ले। रुद्र आजा बेटा। प्रथा आजा जल्दी आरती ले ले। Cheers. आज डबल सेलिब्रेशन है, शेष नागिन का पता लग चुका है। तो इस खुशी के मौके पर हमारी डील भी रिवाइज हो जानी चाहिए। अब शेष नागिन हमारी बहू है तो हमारा हिस्सा भी ज्यादा होना चाहिए। लालची था और लालची लोगों से मुझे सख्त नफरत है। जो कुछ भी मैंने खोया है और जिस जिसने भी मुझसे मेरा सब कुछ छीना है ना, उसका बदला लूंगी और यहां से होगी एक नई कहानी की शुरुआत।